पहुंचे हैं धनपुरा गांव में। यहां पे हरिद्वार में एक हमारा बौद्ध विहार था, उसको खंडित कर दिया गया था अतिक्रमण के नाम पर। उसी उपलक्ष्य में हम लोग पहुंचे, कुछ सवाल करते हैं गांव वासियों से। जैसे ये आपका बौद्ध विहार खंडित कर दिया गया था, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो बौद्ध विहार सर खंडित कर दिया गया था, तो इसके बारे में हमें बस और कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा बौद्ध विहार था, वो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है, वो बौद्ध विहार को हमारा जैसा था वैसा का वैसा ही बना दे। आप ये चाहते हैं कि बौद्ध विहार आपका जैसा था, आप ऐसा ही चाहते हैं? हाँ, ऐसा ही चाहते हैं हम लोग। उसमें आप मतलब जैसे कह रहे हैं कि हमें नगर हमारा बौद्ध विहार नहीं, जैसे प्रशासन कह रहा है अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया था। अतिक्रमण के नाम पर तो और भी बहुत ऐसे मंदिर है, मस्जिद है, अतिक्रमण में उनको भी हटाया जाता है, तो मतलब बौद्ध विहार ही क्यों हटाया गया? वहाँ जहाँ पर वो बौद्ध विहार था, रोड़ी बेल वाला बौद्ध विहार हरिद्वार में, और वहाँ जो अतिक्रमण है, सारी की सारी जितने भी हिंदू मंदिर है वहाँ, वो सिंचाई विभाग की जमीन में आ रहे हैं। और अतिक्रमण की बात रही, क्योंकि जब ये बौद्ध विहार बताया जा रहा है कि अतिक्रमण में आता है, यहाँ माननीय मदन कौशिक जी के द्वारा उस समय 13 मई 2006 को वो विधायक थे, और 13 मई 2006 में बुद्ध पूर्णिमा के 53 पर्व पर इस बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया, और माननीय मदन कौशिक जी के द्वारा बुद्ध विहार में पत्थर भी लगाया गया। और तब से ही 2006 से लेकर और आज तक इस बुद्ध विहार पर जिला अधिकारी की अनुमति लेकर ही यहाँ कार्यक्रम किया जाता है, शोभा यात्रा आती है। तो अगर ये अतिक्रमण में है, तो जिलाधिकारी इस पर परमिशन क्यों दे रहा है, या मदन कौशिक जी जो जिन्होंने ये बनवाया है, उन्होंने क्यों बनवाया अगर ये अतिक्रमण में आता है? मतलब आपका कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर अगर बनाया गया, तो मदन कौशिक जी जो प्रशासन आपको परमिशन दे रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? परमिशन जो दी है आपको, ये वहाँ जो परमिशन दी है, तो इसका मतलब हमारा वो सही चल रहा है, जो बुद्ध विहार है हमारा, तो हमारा बुद्ध विहार पहले से ही है। वहाँ जो लोग काम कर रहे थे, जो पूजा वंदना करते थे वहाँ पर, तो बुद्ध विहार हमारा, आज हम यही चाहते थे बस कि इस बुद्ध विहार को वैसा का वैसा ही बना दे, और अतिक्रमण के नाम पर ये नहीं है। अगर अतिक्रमण के नाम पर होता, तो हमें परमिशन नहीं दी जाती थी, उसका उद्घाटन न होता, बस हम यही चाहते हैं। और जब हमने ये किया, उन्होंने एक मांग की थी कि ये, उन्होंने जब ये बुद्ध विहार को तोड़ा, हमें कोई नोटिस नहीं दिया। मेन मुद्दा ये नोटिस नहीं दिया गया जी, नहीं। और हम और भी से पूछना चाहते हैं, जैसे आप लोग जिक्र कर रहे हैं 27 तारीख में आप लोग क्या करना चाहते हैं? 27 तारीख में जो हम लोगों ने इस संदर्भ में जो है, जो हमारा राज्य का अल्पसंख्यक आयोग है देहरादून में, हमने वहाँ पे उनको एक एप्लीकेशन दी थी इसी संदर्भ में कि ये जो हमारा बुद्ध विहार ध्वस्त कर दिया गया है, तो इसको उसका पुनर्निर्माण किया जाए। ये हम लोगों को बड़ी ठेस पहुँची चीज़ है, जितने बौद्ध समाज है हमारा, और पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने पूरे उत्तराखंड ही, पूरे देश में विदेशों में हर जगह जो जितने भी बौद्ध के जो बौद्ध के मानने वाले लोग हैं, वो सभी इस चीज़ से बड़े स्तब्ध हैं और बहुत ही दुखी हैं, और सबको बड़ा ही एक तरह से शौक लगा है कि ये तो देखिए, भारत जो है एक बौद्ध राष्ट्र है, ये सर्व विश्व में विदित है, और दुनिया में भी आप जानते हैं कि दुनिया में 27-28 जो कंट्रीज हैं बुद्धिस्ट ही हैं। अच्छा, जब हमारी जो कंट्रीज है, और बुद्ध का ही ये देश है, या ये बुद्ध की भूमि है, और बुद्ध की भूमि में बुद्ध की इस तरह से मूर्ति, थोड़ा ये तो बड़ा सोचने वाली बात है। मतलब अब जो है, आप लोग क्या चाहते हैं? अब जो 27 तारीख को आप कह रहे हैं, 27 तारीख हमने जो वहाँ पे एप्लीकेशन दिया था, तो वो प्रोसेस में है मामला। तो अब इसमें जो 27 तारीख को अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से जो एक टीम गठित की गई है, उनकी तरफ से ऐसा उनको बताया हम लोगों ने, तो 27 तारीख को जाँच के लिए जो है वो हमारे बौद्ध विहार रोड़ी बेल वाला में आ रहे हैं, उस तथ्य को देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या स्थिति क्या है। मतलब अगर आप लोगों का जैसे कह रहे हैं बौद्ध विहार आपका जैसा था ऐसे ही बनना चाहिए, अगर प्रशासन इसमें चूक करता है, तो आप लोग फिर क्या करेंगे? देखिए अभी तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? अभी तो जो हमारे 27 तारीख में जो मीटिंग आएगी, अभी क्या वो सब वहाँ पे होगा तभी पता चलेगा। हम तो आम जन से यही कहते हैं कि 27 तारीख को आप हमारे जो जितने भी लोग हैं, जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग वहाँ पर आएंगे, ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ताकि हम उनको अपनी बात रख सकें, जो वहाँ टीम आएगी और जो स्थिति है उसको उससे अवगत करा सके। उसके बाद प्रशासन क्या फैसला लेता है वो उनके ऊपर, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा तो ये है कि अगर हमारा बुद्ध विहार नहीं होता है, तो फिर हम लोग आंदोलन की राह देखेंगे। और क्या मतलब आपका कहना है कि आप लोग फिर आंदोलन करोगे? आंदोलन किस तरह करना है? आंदोलन हमारा ऐसा आंदोलन, यहाँ से हमारे शांति के संविधान के दायरे में, संविधान के अनुसार शांति प्रिय, हम सब जो बुद्ध के जो लोग हैं सब शांति प्रिय, शांति को पसंद करते हैं, तो उसी तरीके से हमारा होगा। और ऐसा कुछ हम लोग दिल्ली की पार्लियामेंट में इसका पहले भी घोषणा कर चुके, अगर हमारा ये जो बुद्ध विहार है, ये खंडित हुआ बुद्ध विहार है, अगर ये नहीं बना कर दिया सरकार ने,
तो आने वाली 27 तारीख में हम सभी अम्बेडकरवादी संस्थाओं से, बुद्धिस्ट संस्थाओं से और जितने भी मूल निवासी महापुरुषों के नाम पर संस्थाएं चल रही है वो ज्यादा से ज्यादा रोड़ी बेल वाला हरिद्वार में अपनी संस्थाओं के संस्थापक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को लेकर साथ में पहुंचे और उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। अगर ये सुनवाई अगर हमारा बुधविहार जल्दी बन जाता है तो इसके लिए बधाई है सरकार को, अगर ये नहीं बनवाती है तो हम दिल्ली के अंदर पहले ही कह चुके हम संसद का घेराव करेंगे और विदेशी मीडिया को बोला बताएंगे और विदेशी मीडिया को जब बताएंगे ये बात विश्व कंट्री तक जाएगी। मतलब आप लोगों का कहना है कि आपके जैसा था आपको बुद्ध बिहार ऐसा ही चाहिए, जैसे हम सुन रहे थे बात कर रहे थे, हम इनका कहना है ग्रामवासियों का कहना है कि हमारा बुद्ध बिहार जैसा था हमें वैसा ही बनना चाहिए और हमारे साथ में और भी बहुत से लोग हैं हम उनसे भी जानेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं फिर बारे में? आप लोग सभी को जय भीम। मैं सभी पूरे भारत के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं ये जो हमारा देश है ये बौद्ध राष्ट्र है और जैसे कि बुद्ध विहार टूटा है ये बड़ी ही दुखद बात है क्योंकि जो भारत के बौद्ध लोग हैं उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है और जो 27 तारीख को यहाँ पे बुद्ध विहार पे जो टूटा है वहाँ पे जो कार्यक्रम होगा यानी कि एक गोष्ठी होगी कि आगे क्या किया जाए, सॉल्यूशन क्या है इसका। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम एक शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करेंगे। मतलब आपका कहना है कि आप शांति तरीके से आंदोलन करना चाहते हो? जो बुद्ध का मार्ग है, जो बुद्ध का मार्ग है वो शांति प्रिय मार्ग है। बुद्धा ने जो संदेश दिया है वो शांति का ही संदेश दिया है, इसलिए हम शांति को ही अपनाएंगे और शांति तरीके से काम करेंगे। अभी आप लोगों ने सुना कि जैसे कि बौद्ध बिहार तोड़ा गया था अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया गया था, ऐसे तो बहुत से मंदिर हैं मस्जिद हैं अतिक्रमण के नाम पे बने हुए हैं उनको भी हटा दिया जाता है लेकिन उनको जो है सरकार मुआवजा देती है, जमीन अवगत करा के देती है, उसको बना के भी देती है और हमारा जो बौद्ध बिहार तोड़ा गया है उसमें ना तो कोई सरकार ने किसी को नोटिस दिया है और ना ही किसी को बताया है। और इसी उपलक्ष्य में श्याम सुंदर, DCNC न्यूज़, उत्तराखंड।